स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। तो गाइस, आप लोग भी कुछ इस टाइप से आईफोन की तरह अपने एंड्रॉइड फोन में फोटो क्लिक करना चाहते हो तो आप लोग सिर्फ एक क्लिक में ऐसा फोटो क्लिक कर सकते हो। आप लोगों को वीडियो पे एंड तक बने रहना है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आप लोगों को सबसे पहले अपने टेलीग्राम ऐप को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को ऊपर की ओर सर्च वाले आइकन पर टैप करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है दीपेश एडिटिंग बॉय। तो फर्स्ट में मेरा टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएगा, इसको आप लोगों को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। फिर यहाँ पर गाइस आप लोगों को नीचे में दो जिप फाइल मिलेंगी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इन दोनों जिप फाइल को आप लोगों को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड हो जाने के बाद आप लोगों को इन दोनों जिप फाइल को सेव करना है। तो सेव करने के लिए आप लोगों को थ्री डॉट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से आप लोगों को सेव टू डाउनलोड पर टैप कर देना है। तो ये जिप फाइल आपकी फाइल मैनेजर में सेव हो जाएगी। तो ऐसे ही आप लोगों को दूसरी जिप फाइल को भी सेव कर लेना है। फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ से फाइल मैनेजर को ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पर आप लोगों को सर्च वाले आइकन पर टैप करना है। यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है LMG। जैसे ही सर्च करोगे ये दोनों जिप फाइल आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ से आप लोगों को फर्स्ट वाली जो सेव की थी उस पर टैप करना है। इस जिप फाइल को आप लोगों को एक्सट्रैक्ट करना है, तो एक्सट्रैक्ट ऑल पर टैप करना है। इस जिप फाइल को आप लोगों को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर नीचे में व्यू पर टैप करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी कॉन्फिग फाइल देखने को मिलेगी। इन्हीं फाइल्स में गाइस आप लोग को एक ऐप देखने को मिलेगा LMC@4 नाम से। इस ऐप को आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल हो जाने के बाद आप लोगों को यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद जो दूसरी जिप फाइल है उसको आप लोग को एक्सट्रैक करना है। एक्सट्रैक कॉल पर टैप करना है। इस बारी जिप फाइल में आप लोगों को पासवर्ड डालना है, तो पासवर्ड आप लोगों को 50 10 65 डाल देना है। जिप फाइल एक्सट्रैक हो जाएगी। इतना काम हो जाने के बाद आप लोगों को यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप लोग को उस ऐप को ओपन कर लेना है जो अभी हम लोगों ने इंस्टॉल किया था। ओपन हो जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर परमिशन देना है, तो जो भी परमिशन मांगे आप लोग को अलाउ कर देना है। फिर यहाँ से आप लोग को डन पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद ऊपर की ओर एरो वाले ऑप्शन पर टैप करना है। मोर सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ से आप लोग को कॉन्फिग सेटिंग पर टैप करना है। फिर यहाँ से आप लोग को सेव सेटिंग पर टैप करना है। फिर नीचे में आप लोग को यहाँ पर एस कर देना है। फिर यहाँ से आप लोग को बैक आ जाना है। फिर से फाइल मैनेजर को ओपन करना है। तो यहाँ पर फाइल मैनेजर में आप लोग को एक फोल्डर देखने को मिलेगा LMC@4 नाम से। फिर यहाँ पर ऊपर की ओर आप लोगों को सर्च आइकन पर टैप करना है। यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है LMC। LMC सर्च करने के बाद आप लोगों ने जो फाइल एक्सट्रैक्ट की थी उनका फोल्डर आप लोगों को यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस फोल्डर को आप लोगों को ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को कॉन्फिग फाइल देखने को मिल जाएंगी। तो इन सभी फाइल को आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को यहाँ पर मूव वाले ऑप्शन पर टैप करना है। यहाँ पर आप लोग को LMC@4 फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से मूव हेयर पर टैप कर देना है, तो ये सारी फाइल उस फोल्डर में मूव हो जाएंगी। फिर यहाँ से आप लोग को दूसरे वाले फोल्डर को ओपन करना है। एंड यहाँ पर जितनी भी फाइल्स रहेंगी इन सभी फाइल को सिलेक्ट करके मूव कर लेना है। उसी वाले फोल्डर में LMC@4 नाम से एक फोल्डर रहेगा, उसी में आप लोगों को सारी फाइल्स को मूव कर देना है। तो इतना काम हमारा हो चुका है। जो हमारी कॉन्फिग्स फाइल है वो हमारी कैमरे में एक्सपोर्ट हो चुकी हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं हमारी फाइल्स एक्सपोर्ट हुई है या फिर नहीं। तो आप लोग को LMC@4 वाले ऐप को ओपन करना है। ओपन हो जाने के बाद आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर नीचे में आप लोगों को कहीं पर भी दो बार टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हो। फिर आप लोगों को XML वाले ऑप्शन पर टैप करना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने जितनी भी कॉन्फिग्स फाइल एक्सपोर्ट की थी यहाँ पर सारी शो हो जाएंगी। तो किसी एक को आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट करके इंपोर्ट पर टैप कर देना है। तो यहाँ पर ये फाइल सिलेक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद आप लोगों को एक फोटो क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एक फोटो क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फोटो क्लिक कर ली है, आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप से हमारी फोटो आई है। आप लोग यहां पर देख सकते हो हमारी फोटो कितनी जबरदस्त लग रही है। तो आप लोग कुछ इस टाइप से आईफोन की तरह अपने एंड्रॉइड फोन में फोटो क्लिक कर सकते हो। तो आई होप गाइस आप लोग को वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी का प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।